अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर आजम है, लेवल 4 सर्टिफाइड मास्टर क्रिकेट कोच। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि एक पाकिस्तानी क्लब क्रिकेटर के बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो अपनी प्रैक्टिस करता है क्लब लेवल पे या अंडर 16 लेवल पे या अंडर 19 लेवल पे? तो चलते हैं देखते हैं। अब हम जाते हैं रायम तैमूर की तरफ, जिसने अभी अपनी प्रैक्टिस ख़त्म की अपने वर्क स्टेशन पे, और देखते हैं कि उसके किट बैग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, आप खुद ही देखिए और डिसाइड कीजिए। ये एक मेरा क्रिकेट बैट है, ये मेरा मैच बैट है जो मैं अपने क्लब के मैचेस और अंडर 13 के मैचेस में यूज़ करता हूँ। ये मेरा दूसरा प्रैक्टिस बैट है, इनके ये मैचेस के लिए बचा जाता है और ये प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो सेफ रहे और इसके साथ प्रैक्टिस हो। ये दो प्लेयर ग्लव्स है, मतलब एक प्लेयर एक यूज़ करते हैं और एक जब पसीने आते तो दूसरा फिर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सेफ्टी के लिए थाई पैड और गार्ड बॉक्स। थाई पैड दोबारा दिखाएं, ये तो मुझे दो पीसेस लग रहे हैं, ये किस किस के लिए होती है? ये ए, ए, दोनों थाई प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लेफ्ट और राइट थाई। अच्छा, ये इसलिए पहनते हैं ताकि थाई पे हमारी प्रोटेक्शन रहे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेलमेट, ये हम यूज़ करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है हेलमेट? सेफ्टी के लिए और हेड को प्रोटेक्ट करने। ये दो पैड्स नीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इक्विपमेंट में। अच्छा रैम, ये बताएं इसका साइज क्या है पैड्स का? पैड स्मॉल साइज़ है कि बच्चों के लिए पैड्स अच्छे, इसमें रनिंग भी हो सकती है अच्छे तरीके से, क्योंकि बड़े नहीं है ज़्यादा और आपके पैर में फुल अच्छी तरीके से फिट है। फिर ये एल्बो गार्ड है, ये इसे इस्तेमाल होती है ताकि आपके एल्बो को प्रोटेक्शन हो और कोई मतलब डिसलोकेट ना हो जाए बोन्स, इसलिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इंजरी ना हो जाए, डिसलोकेट डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, इन बैट्स का वज़न क्या है, वेट क्या है इनका? बैट का वेट है 27, ठीक है, और एक रैकेट साइज का ये 25 है। अच्छा, तो आप कौन से बैट से खेलते हैं रेगुलर? इस तरह से। अच्छा, एक मैच बैट हो रहा है, ठीक है। और क्या आपके किट बैग में? और एक सपोर्टर है जिसमें गार्ड अंदर डालते हैं बॉक्स, और मेरे पास एक बैट कवर है, ठीक है, बैट को मतलब वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और एक किट बैग है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें डालता हूँ मैच के बाद या प्रैक्टिस के बाद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये बताएं ये क्यों सामान इतना आपने रखा हुआ, क्या इसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस क्रिकेट में बहुत होती है, क्योंकि हर मतलब बैटिंग से पहले ये सारा सामान पहनना होता है, अगर हम ये नहीं पहनेंगे तो इंजरी हो सकती है, और ये हम सारा सामान इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी सेफ्टी रहे और अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें। राइट, थैंक यू वेरी मच रायम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को क्रिकेट वर्कशॉप। थैंक यू।